Assalamu alaikum, dear students. We are studying chapter number 7, electrochemistry. First of all, we have to revise the yesterday's topic. कल हमने पढ़ा क्रोयन के बारे में. क्रोयन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम. कि किसी भी मेटल का स्लो और कंटिन्यूस ईटिंग अवे प्रोसेस यानी डैमेजिंग प्रोसेस सराउंडिंग मीडियम की वजह से, कि कोई भी मेटल अगर सराउंडिंग मीडियम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है तो उसे कहते हैं क्रोयन. क्रोयन इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन. रिडॉक्स मीन्स अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व. कि क्रोयन एक रिडॉक्स प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये रिडॉक्स प्रोसेस है. एंड द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ क्रोयन इज मॉइस्ट एयर. कि जो अहम ज़रूरत है क्रोयन की वो क्या है? मॉइस्ट एयर यानी एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट. कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स यानी मॉइस्चर या नमी का मौजूद होना ज़रूरी है क्रोयन प्रोसेस के लिए. तो सबसे कॉमन एग्जांपल है क्रोयन की रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपने अक्सर कॉमनली देखी है कि लोहे को जंग लगना. क्रोयन इज़ अ जनरल टर्म, बट क्रोयन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग. कि जब भी लोहे का क्रोयन प्रोसेस होगा तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मॉइस्ट एयर. कि रस्टिंग के लिए भी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो अहम ज़रूरत है जिसके बगैर रस्टिंग नहीं हो सकती, वो है मॉइस्ट एयर. एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट. कि अगर एयर में वाटर वेपर्स यानी नमी मौजूद होगी तभी रस्टिंग प्रोसेस होगा. देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर. कि अगर कहीं किसी जगह पर सिर्फ वाटर वेपर्स मौजूद हैं, एयर नहीं है, तो रस्टिंग नहीं होगी. और अगर एयर फ्री है वाटर से तब भी रस्टिंग नहीं होगी. सो द डेफिनेशन ऑफ रस्टिंग इज द क्रोयन ऑफ आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर विद द आयरन मैटर. ठीक है, सो वॉट इज मेंट बाय क्रोयन? क्रोयन इज द स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम एंड इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन that takes place by the action of oxygen and moisture with that matter. So here is the chemistry of rusting process. यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आयरन का पीस है, एक आयरन का लोहे का एक टुकड़ा मौजूद है जिस पर डेंट्स हैं. तो स्टेन्स और डेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर. कि वो जगह प्रोवाइड करते हैं डेंट्स जहाँ पर रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है, जहाँ पर एयर से ऑक्सीजन और मॉइस्चर आकर उस जगह पर ठहर सकते हैं जहाँ से रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं एनोडिक रीजन. और एनोड पर प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन. आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और बनाता है फेरस आयंस जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टूवर्ड्स अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वेयर दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैथोडिक रीजन. कैथोडिक रीजन पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है. सो द इक्वेशन इज O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन. रिडक्शन होता है कैथोड पर, ऑक्सीडेशन एनोड पर. एनोड और कैथोड की रिएक्शंस का सम करेंगे तो बनता है ओवरऑल रिएक्शन, जो कि नीचे लिखा हुआ है 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव दे फॉर्म्स द 2 फेरस आयंस प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अभी तक इसमें रस नहीं बना, लेकिन रिडॉक्स प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. तो रस फॉर्मेशन ऐसे होगा कि जो फेरस आयंस हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे आयरन पीस पर और फर्दर वो रिएक्ट करते हैं एयर की ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ और बनाते हैं फेरिक आयंस. वो फेरिक आयंस फर्दर जो है वो रिएक्ट करके बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या कहलाता है? रस्ट. सो द इक्वेशन ऑफ रस्ट फॉर्मेशन इज 2 फेरस आयंस दे रिएक्ट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.NH2O, जिसको हम कहते हैं ये रस्ट है. साथ में बनते हैं 4 हाइड्रोजन आयंस जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. ठीक है,